टाइप के होते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स, ठीक है, वाटर के हैं, लैंड के हैं और एयर के हैं। लैंड के बता सकते हो कौन कौन से हैं मैडम? बाइक राइडिंग है, अच्छा, कार, फॉर्मूला, ठीक है, और है क्लाइंबिंग, ठीक है, और थोड़ा सा, हाँ, वेरी, हॉर्स रेसिंग एडवेंचरस भी नहीं है, दीज आर अंडर द मल्टीपल गेम्स नॉर्मल एक्वेस्ट्रियन में। हाँ नहीं, मैं एक जनरल बता रही हूँ जहां पर, और कौन सी गेम्स हैं जो आपने देखी होंगी या सुनी है? हाँ, लैंड की और कौन कौन सी हो सकती है? ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, माउंटेनियरिंग पे चढ़ने की है, ठीक है, ये सारी हम किस में लेते हैं नॉर्मली? ये हम लैंड में लेते हैं। और भी बहुत सारी हैं, जैसे स्लेजेस हैं, बॉबस्लेड्स हैं, विंटर की जो है लोगों के जहां पर, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स हर जगह होती हैं, चाहे वो एरिया स्नोई हो वहां पर, जैसे हम करते हैं स्केटिंग, ठीक है, स्नो पर, ऐसी जो होती हैं, डॉग स्लेज की होती है, देखा होगा रेंडियर्स के साथ है स्लेज पे बैठकर जाना या आना, ठीक है, इस तरीके की ये सारी जो गेम्स होती हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स। वाटर की हैं जिसमें वाटर राफ्टिंग है, सर्फिंग है, ब्रॉड बोर्ड है, याचिंग है, ये इतनी सारी गेम्स हैं हम एडवेंचरस की, कईयों के शायद हमने कभी नाम ही ना सुने हों, कई ऐसी गेम्स हैं जो हमने कभी सोची ना हो, देखने तो बहुत दूर की बात है, हर तरीके की जहां पर रिस्क कवर जो होती है वो हम करते हैं, जैसे आपने बंजी जंपिंग का देखा होगा, हाइकिंग्स के देखे हैं, ठीक है ना, ग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, विंग सूट्स के साथ करना, ये सारी चीजें जो हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आती हैं, ठीक है बेटा। अब जो भी चीज करते हैं हम उनके ऑब्जेक्टिव्स या एम या मेन पर्पस होते हैं, ठीक है ना बेटा, पर्पस के साथ ही कोई भी काम जो किया जाता है वो पर्पसफुली ही किया जाता है, या उसके हमें बेनिफिट्स होते हैं क्या क्या हैं, ऑब्वियसली हमारी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, रिस्क कैपेसिटी को जो लेगा वही कुछ ना कुछ यूनिक अर्न करेगा, ठीक है ना, यूनिक अर्न करने के लिए घर में बैठ के या सिंपल बातें या हंसना नहीं है, हार्ड वर्क है, हमारी स्ट्रेंथ जो है एक्सट्रीम स्टेनर स्ट्रेंथ जो है उसको डेवलप करेगा, ठीक है, टोपोग्राफी, हमें लैंड के बारे में, अलग अलग जगह के लैंड्स के बारे में पता चलता है, माउंटेन्स के डिफरेंट टाइप्स का पता चलता है जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं, अदरवाइज तो हमने यही पढ़ा है ज्योग्राफी में, अगर पढ़ा या देखा, नॉर्मली हिल्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं और दूसरे होते हैं माउंटेन्स, ठीक है, उन पर एक्सपीरियंसेस, केविंग में केव जो हैं, गुफाएं जो हैं, वाटर के इंटीरियर में या नॉर्मली जो हैं ये कैसी होती हैं, या इनके अंदर से कहाँ से जाना है हमें, ये सारी चीजें क्या है, ये एडवेंचरस है। और सबसे पहले ये डिस्कवर भी करते हैं, जब नई चीजें जो जो देखते जाएंगे साथ में डिस्कवरी भी कई चीजों की होती जाती है ना बेटा, जो चीजों का एग्जिस्ट में है लेकिन लोगों को नहीं पता उसके बारे में है। रिसेंटली अगर इसका देखना हो तो टूरिज्म वाला जो आता है उसमें हम देखते हैं, जो चैनल है उसमें ऐसी काफी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, हमें पोल्यूशन, अवेयरनेस रिगार्डिंग द पोल्यूशन, ठीक है, लोगों में कैसे, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल है, नहीं है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं। अब जब भी कोई भी तरीके की एडवेंचर स्पोर्ट्स करता है, ठीक है ना बेटा, उसके लिए फर्स्ट एड और सेफ्टी प्रिकॉशंस आर देयर, हर चीज की मैक्सिमम सेफ्टी जो है वो हम रख सकते हैं और आसानी से रखी जाती हैं, ठीक है ना बेटे। अब उससे क्या है, पॉपुलराइजेशन होती है, पहली बात, दूसरी क्या है, मार्केटिंग, तीसरी जॉब्स पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जो गाइड होते हैं नॉर्मली आपने देखा होगा जो सिखाने वाले कोचेज हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो ड्रेसेस या इक्विपमेंट्स हैं, अगर हम सिंपल बात कर लें तो नो डाउट जालंधर इज फेमस फॉर द स्पोर्ट्स गुड्स,
ठीक है ना। और हमारे स्कूल के पीछे का जो एरिया है, मुझे लगता है वो सारा का सारा बस्ती नो, वो इक्विपमेंट्स यहाँ तक कि स्पॉन्सर्ड मैक्सिमम इंटरनेशनल लेवल तक भी होती हैं चीजें। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बेस्ट से बेस्ट देना, कंपटीशन की भावना, ये सारी चीजें क्या आती हैं इसके अंदर। और सेफ्टी में जो पर्टिकुलर लाइफ का हैबिटेट, हाइकिंग है, लाइनिंग है, कभी आपने देखा होगा या नॉर्मली पिक्चरों में ही देखा होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक तारे बांध के चलना, एक्चुअली में माउंटेन्स के या बिल्डिंग्स के या पोल्स के साथ ऐसे लोग करते हैं क्वाइट हाइट पे। अगर एक मूवी आई थी वॉक, इंग्लिश की है ठीक है, उसका दैट वाज ऑन अ रियल बेस, कभी टाइम मिले तो उसे वॉच करना, और या उसका एंड कि उसने किस तरीके से सिंगापुर के जो टॉवर्स हैं, ट्विन्स टॉवर है ना बेटे वहां पे, वहां पर वायरिंग करके उसने और उसने क्रॉस किया था। ये आम जो है लेते हैं, इसे हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ये क्या इंडिजीनियस गेम्स से होती हैं ये चीजें, इंडिजीनियस जो हमारे देश की या एक पर्टिकुलर प्लेस की होती हैं। आपने देखा होगा जो मेले में दिखाने वाले होते हैं ना, अलग अलग करतब जिमनास्ट वगैरह करते हैं, वो डंडे लगा के तार लगाते हैं, उस पर साइकिलिंग करते हैं या कुछ है, उसी की हाई लेवल की जो चीजें होती हैं, काफी हाई लेवल की, वो आती हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स के अंदर, टाइम मिले या वैसे भी इट इज कंपल्सरी टू वॉच द एडवेंचरस स्पोर्ट्स। उसका गूगल पे खोल लेना, एटलीस्ट इसलिए नहीं कि तुमने देखना है, इसलिए कि तुम्हें पता चले कि कौन सी गेम का नाम क्या है, बंजी जंपिंग है, स्कूबा डाइविंग है, तो अंडमान निकोबार के जितने क्लीन्स एरिया है वहां पर नीचे जहाँ लेके जाते हैं, स्नॉर्लिंग है, ये क्या है या कैसे है, डिफरेंस क्या है, इन चीजों के बारे में हमें पता चलता है। स्विंग जो विंग सूट डाल के आप देखते हो ना नॉर्मली पैरा एरोप्लेन से या उससे ऊपर से नीचे को आते हैं और उसके बाद सर्कल्स बनाते हैं या एक्रोबैट्स सिखाते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, दैट कम्स अंडर द एडवेंचरस स्पोर्ट्स। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि कई बार हमने नाम कई सुने हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट भी आपके लिए न्यू है, और कई चीजें आपने रोजमर्रा देखी होंगी, यही बोलोगे मैडम ये बता रहे हैं, लेकिन हमने उसे सिंपल नजरिए से देखा, हमने उसे किसी और फॉर्म में देखा ही नहीं, ना ही उसके बेनिफिट्स ना ही हमें उसके लॉसेस पता होते हैं। ठीक है, कैंपिंग क्या है, कभी नाम सुना है, कैंपिंग का नाम तो सुना ही होगा ऑब्वियसली, पर वो होती क्या है, कैंपिंग है जैसे माउंटेनियरिंग है, ट्रैकिंग है, इसको बोलते ट्रैकिंग है, स्पेलिंग इसके TRE KI है, ये ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कंफ्यूजन रहता है, वाटर की सर्फिंग है, रिवर सर्फिंग, ठीक है, और हमारे देश में जहाँ से गंगा का स्टार्ट होती है, लेवल्स होते हैं इनके अलग अलग, जहाँ पर ये की जाती हैं और रिस्क भी उतने ही ज्यादा होते हैं, विथ प्रॉपर गियर्स, गियर का मतलब जानते हो ना बेटा, स्पोर्ट्स गियर का मतलब क्या होता है, गियर्स क्या होते हैं, गाड़ी के गियर नहीं है ये, स्पोर्ट्स गियर है, द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट, हर एक चीज के उन्हें कहते हैं सेफ्टी गियर्स, या इक्विपमेंट्स भी इसके अंडर ही आते हैं। ठीक है ना बेटे, जब हम अगर स्केटिंग ही नॉर्मल दिखाते हैं जो, तो उसके लिए हमें गार्ड्स चाहिए हैं, ठीक है, हेलमेट चाहिए है नेक का, ये क्या है, ये बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी इंजरीज की नॉलेज होनी चाहिए, जिन्हें हम स्पोर्ट्स इंजरीज कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए एक फेमस वर्ड है बेटा, वो आपने सुना होगा या नहीं, मैं बता देती हूँ, एक है प्राइस, एक है प्राइस, एक है राइसर, एक है प्राइस। अब ये क्या चीजें हैं, ये एब्रीवेशन है जी। ठीक है, स्पोर्ट्स में किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, पहले तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, हर चीज की ढंग से करना, उसके नॉलेज होना, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अनाड़ी या तो ऊपर जाएगा, या ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, इसका मतलब या हाई लेवल का काम करेगा विदाउट नॉलेज, या फिर वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रिवेंशन होनी बहुत जरूरी है,
मुझे पता हो, छोटे छोटे बच्चे आजकल क्या है, बाइक चला रहे हैं ना, पेरेंट्स भी आती है इसको चलानी, ये चला लेगा एक्टिवा, बट नेवर थॉट ऑफ दैट कि क्या उस बच्चे को हमने रोड के सेफ्टी रूल्स सिखाए हैं, क्या हमने उससे बताया है कि ओवरटेक किस साइड से करना है, कॉजिंग कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर स्पीड देनी है, सिर्फ आना ही का मतलब तो फिर अनाड़ी वाला काम है ना, ये चला लेगा गलियों में चलाते चलाते वो धीरे धीरे वहां पर रूल्स जब नहीं फॉलो होते हैं तो प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होती हैं। ठीक है, जब भी किसी भी टाइप की चोट लगती है ना बेटे, उसमें रेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो नहीं कीड़ी दा आटा डोल गया, वो थोड़ी सी अब माइनर के लिए है, मेजर हो तो सबसे पहला काम होता है रेस्ट देना। ठीक है, इमोबिलाइजेशन करनी यानी कि मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ताकि हमें पता ना हो कुछ नहीं हुआ होता, कुछ नहीं होता और उसके बाद वो प्रोलॉन्ग हो जाए, सोना नहीं है। मैं इसीलिए बोलती हूँ तुम साथ में एक्टिविटी करोगे तो एक्टिव रहोगे और याद रहेगा, मेरा बोलने से सिर्फ वो लेक्चर होता है। ठीक है ना बेटा, उसके बाद है अगर स्कूल में जैसे हम गेम्स खेलते हैं ना बेटा, स्प्रेन स्ट्रेन होती है नॉर्मली है, ठीक है, उसके लिए जा बच्चे मुंह तो क्या, नहीं, कोई इसमें शर्मा वाली भी बात, अच्छा जा गए, आइसिंग नॉर्मली क्या होता है, जितनी ज्यादा रिसर्च हुई और जितना ज्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई है, आम पहले घरों में हम सुनते थे कोई चोट लगती थी ना, पंजाबी कहते हैं ना टकोर का देना, कोई भी चीज हो उस पर गरम लगा दिया, वो बेचारा आगे प्रॉब्लम में है, उससे ज्यादा उसको रिक्वायर्ड नहीं है, और वहां पर जब हम उल्टे काम कर देते हैं तो जो प्रॉब्लम है वो एग्रवेट हो जाती है रादर टेन टू मिनिमाइज होनी। स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या होता है बेटे, जिसको हम पंजाबी में मोच कहते हैं, या मुड़ जाना, या ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ अवर मसल्स टिश्यूज का होना, वहां पर क्या होता है, या इंटरनल ब्लीडिंग होनी थोड़ी बहुत, देखते हो ना नील पड़ जाते हैं कहीं या कुछ, दैट इज एक्चुअली इंटरनल ब्लीडिंग। आइसिंग क्यों करवाई जाती है, ताकि अंदर ठंडक मिले और ब्लड जो है वो जहां पर है वहां जम जाए, रादर देन कि उसका फ्लो बॉडी बॉडी में फैले, उसे वहां रोकने के लिए आइसिंग बहुत जरूरी होती है। आइसिंग का मतलब है बर्फ रखनी। ठीक है, कट डलता है ना तो उसे ये नहीं करना दबा दो मुंह में डाल ले ब्लड, ये रादर वहां पे अगर फास्ट हम बर्फ के कोई भी पीस रख देंगे तो वहां पर जल्दी जो है वो सूख जाएगा या रुक जाएगा ब्लड, और फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, हाथ नीचे नहीं, अगर हमें यहाँ चोट लगी है तो हमारा हैंड अपवर्ड होना चाहिए ताकि ब्लीडिंग जो है वो सही तरीके से। ठीक है, सी से उसको कंप्रेस करना है, जो प्लेस है उसको कंप्रेस करना है सी से, ई से एलिवेट करना है चीज को उस जगह से जहां पर वो है उससे थोड़ा सा ऊपर देना है, ना कि डाउनवर्ड करना है ताकि ब्लीडिंग और ना हो। आर से है वर्ड रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन का मतलब पता है, कभी ये वर्ड सुना है रिहैबिलिटेशन, और रिहैबिलिटेशन सुने होंगे, रिहैबिलिटेशन होम्स वगैरह हैं, कभी नहीं, एनी हो ये आम होते हैं जहां पर ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं उनको ट्रीटमेंट जब चलता है ना तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ही करा जाता है। इसका मतलब होता है ठीक करके मेडिसिनली मेडिकेशन के द्वारा थेरेपी के द्वारा दोबारा उसको सेम कंडीशन में लाना, उसे रिहैबिलिटेशन का मतलब सुना है ना, बसाना किसी चीज को, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये वर्ड आपने 8th 9th में पक्का। ठीक है, उसको रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि दोबारा रिहैबिलिटेट करना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और ये वर्ड्स याद होने चाहिए तुम्हें, ये 12वीं तक अब आएंगे, ये एब्रीवेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो, जनरल स्पोर्ट्स हो, माइनर मेजर इंजरीज जो है वो चलती रहती हैं, इसलिए सेफ्टी रूल्स को मेजर करना बहुत जरूरी है। अब अलग-अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग-अलग तरीके के मेजरमेंट्स हैं। ठीक है ना बेटा, जिसने वाटर का या सर्फिंग का करना है तो उसे पहले पता होना चाहिए कि
क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, बारिश या तूफान आ रहा है और उसमें वो समुद्र में, ठीक है, अंडरस्टूड है। इसलिए हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो परफेक्ट और अपडेटेड होने चाहिए। ये नहीं, एक पंजाबी जो वर्ड है ना सारे लगे, कुछ नहीं होता वो, फिर कुछ नहीं चीज सब कुछ हो जाता है ना। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इक्विपमेंट्स जो हम रखते हैं उसकी अपग्रेडेशन, उसकी चेकिंग नॉर्मली हर गेम के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। हमारे पास अगर कैंपिंग पे जाना है, ट्रैकिंग पे जाना है, तो हमारे पास मैप होना चाहिए कि हमने जाना किस रास्ते पे है। ऐसे थोड़ी है कि हम चल पड़े हैं तो अपने आप रास्ता मिलता जाएगा और हम चलते जाएंगे, उसके बाद अगर कुछ नहीं आया तो कितने जाना, ठीक है। उसका मैप का होना, कंपस का होना, पेंसिल वाली कंपस नहीं, डायरेक्शन वाली कंपस। इन द सेम वे इनके वाटर के जो होते हैं उसमें भी कंपस की जरूरत बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना, जिससे हमें डायरेक्शन और फॉर्मेशन का पता चले कि हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है या हमारा जो मैप है वो क्या बता रहा है। उसके बाद हमारे पास अगर हम कैंपिंग में जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, माउंटेनियरिंग में, हार्डनेस क्लिप्स विद लंबी रस्सियां जो होती हैं, लूप्स जो होते हैं, वो होने हमारे पास बहुत जरूरी हैं, ठीक है बेटा। साथ ही साथ अगर कैंपिंग में जा रहे हैं, हमारे पास रक्स बैग होने बहुत, या बैकपैक्स जो होते हैं जिसके अंदर हम सामान अपना लाइट लेकिन मैक्सिमम सामान जो है वो रखते हैं। स्लीपिंग बैग्स होने चाहिए, रजाई नहीं चक्के लेके जानी है, फीदर्स के बने हुए टोटली कवरेज आती हैं, जहां पर नाइट होती है या विंटर का होता है रेस्ट करना होता है वो इस चीज को लेते हैं। जो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं या जो एवरेस्ट वगैरह या ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर जहाँ ऑक्सीजन के प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लेवल अप जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। उसके बाद हमने ऐसे फूड को लेना है जो इंस्टेंट रेडी भी हो और हर जगह पर उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें डाइजेस्ट भी हो जाए। ऐसे फूड को वाटर कहाँ पर कैसे किस फॉर्म में लेना है, ये सारी चीजें हमारे बैग में होनी चाहिए। और लोडिंग भी कम होनी चाहिए ताकि हमारे लिए इसकी फटीक ना हो, मैक्सिमम केस जो है वो कवर कर सकें। अगर हम भारी उठाते रहे तो हमारा पोस्चर, फटीक प्लस डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। लाइट से लाइट वेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है, क्योंकि माउंटेनियरिंग का मतलब ही यही है कि हमने टॉप पे पहुंचना है, ठीक है ना बेटा। ये है एडवेंचरस स्पोर्ट्स। सर्फिंग है तो हमने उसके लिए जो हमारे बोर्ड हैं, सर्फिंग बोर्ड होते हैं, वो किस तरीके से हो, उसकी जो पैकिंग है या ड्रेस जो है हमारे पास प्रॉपर क्लिप्स हैं, या हमने जो पाँव के साथ चिपकाना है वो कैसे रहेगा, इस चीज का होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? एस,